सेक्टर 9 में प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। कुछ दुकानदारों ने सार्वजनिक रास्तों में बाधाएं बनाई हुई थी और कुछ दुकानदारों ने शेड लगाकर अतिक्रमण किया हुआ था, जिस पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए उन अतिक्रमण को जेसीबी द्वारा हटाया गया। इस दौरान प्रशासन का कहना है कि लोगों द्वारा कई बार इसकी शिकायत की गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट और पुलिस बल को सहायता के लिए बुलाया गया और इस अतिक्रमण को हटाया गया। उनका कहना है कि इसके अलावा सेक्टर 7 और सेक्टर 21 पर भी हमने लोगों द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की है और वैसे भी हम बार बार अतिक्रमण की कार्रवाई करते रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इसके लिए दुकानदारों को नोटिस भी भेजे गए थे और उन्हें मौखिक रूप से बताया भी गया था। वहीं दुकानदारों का कहना है कि ये कार्रवाई बिल्कुल गलत है, जिसका वे विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ बरसात को रोकने के लिए उन्होंने शेड लगाए हैं जो कि तोड़ दिए गए। उन्होंने बताया कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला, सिर्फ बोला गया था। एनक्रोचमेंट तो कोई थी नहीं, वैसे ही बरसाती पानी के लिए शेड थे ये थोड़े बहुत, वो भी तोड़ दिए हमारे। जहाँ ज्यादा एनक्रोचमेंट है वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। बाथरूम देख लो हुड्डा का जाके, कोई बाथरूम नहीं कर सकता वहाँ। वैसे एक बार बोला था जी, कल का दिन का टाइम दिया गया हमें भी, उतार ले बंदा कुछ कर ले, वो भी टाइम नहीं दिया गया। ये कार्रवाई बिल्कुल गलत है और हम इसका विरोध करते हैं, प्रशासन का भी विरोध करते हैं। इसके बारे में हम एमएलए के घर पे जाकर एमएलए साहब को मिलकर आए थे, परंतु उन्होंने कहा था ये ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। ये बरसात को रोकने के लिए सिर्फ एक शेड लगाया था 4 फुट का, जो शेड भी तोड़ दिया गया है, जबकि सारे शहर पूरा इंक्रोचमेंट से भरा पड़ा है और पूरी इंक्रोचमेंट है, मेजर इंक्रोचमेंट के ऊपर ये सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती और गरीब आदमियों का आकर छोटे छोटे शेड तोड़ती है, और जो बड़ी एक इंक्रोचमेंट करी हुई है उनके ऊपर कोई सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती। सेक्टर 9 में जो है कुछ दुकानदारों ने अपना जो पब्लिक पैसेज होता है उसको ब्लॉक किया हुआ था और कुछ ने जो शेड लगा करके अतिक्रमण किया हुआ था। इस पर हमने बार बार शिकायतें हमारे दफ्तर में आती थी, उस पर हमने संज्ञान लेते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की सहायता से आज उसको हटाया। हमने सब सेक्टरों में पहले कार्रवाई की है कंप्लेन के आधार पर भी, और वैसे भी हम बार बार अतिक्रमण की कार्रवाई करते रहते हैं। नोटिस हमने 7 तारीख को चस्पा किया था और उनको चस्पा करने के बाद वहाँ पे हमने उनको मौखिक रूप से भी हमारे स्टाफ ने जा करके उनको बोला था। हाँ, आगे शिकायत आएगी, उसके बाद भी आगे कार्रवाई